और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 4,362 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे इसके एलिजिबिलिटी के जो इंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पहले यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके कन्फर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। वैलिड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी सेंड की जाएगी। जो भी ईमेल आईडी आपने भरी है उसको यहाँ पर दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर दीजिए। ये कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कैप्चा कोड को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उसको फिलअप करके नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। आपको यहाँ पर उनमें से कोई भी ओटीपी एंटर करके ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। और उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको नीचे आई अग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। आपको इनको प्रिंट कर लेना है या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास से हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगआउट के ऊपर क्लिक करना है। लॉगआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको मेल मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी सेंड की गई है, ये जो यूजर आईडी अभी आपको मिली है वो आपको एंटर करनी है। और जो पासवर्ड अभी आपको सेंड किया गया है मेल एंड मैसेज के माध्यम से वो आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पर आपके द्वारा भरी गई पर्सनल डिटेल्स आप देख सकते हो। बट अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको कांस्टेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन यहां पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको ब्राउजर के बारे में रिकमेंड किया जाएगा कि किन ब्राउजर के माध्यम से यह फॉर्म बेहतर तरीके से फिलअप किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल पा रहे हैं। तो आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको दिया जा रहा है डिपार्टमेंट पोस्ट नेम, तो यहां पर आपको कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे मदर नेम, तो आपको अपनी माताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। सेम वे में आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहां से अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, क्या पंजाब के स्थायी यानी कि परमानेंट निवासी है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास 10th में वन ऑफ सब्जेक्ट आपने पंजाबी पढ़ी हो तभी आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछे कि कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप अपनी कैटेगरी में ना रह करके इनमें से जो आपका अलग से कैटेगरी है, जैसे कि आप देख सकते हो EWS, एक्स सर्विसमैन सेल्फ, जो भी आपकी अन्य कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप सिंपली जनरल हो तो यहाँ पर जनरल यू आर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है अदर डिटेल, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट,
अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सोशल मीडिया की भी जानकारी देनी है, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी फॉर्म के अंदर देख रहा हूँ जहाँ पर कैंडिडेट की सोशल मीडिया प्रोफाइल मांगी जा रही है। ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि अगर आपके पास है आपका फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट तो आप उसका जो आईडी है यानी कि यूआरएल है वो यहाँ पर दे दीजिए, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन या फिर ट्विटर, तो जो भी आईडी आप देना चाहते हैं वही यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी आपका ट्विटर का यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको बताना है, फेसबुक की जो यूजर आईडी है वो आपको बता देनी है यानी कि एंटर कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे एनी अदर सोशल मीडिया, यानी कि इनके अलावा कोई और सोशल मीडिया आपका अकाउंट है तो उसका नाम यहाँ पर दे दीजिए, जैसे कि स्नैपचैट जो भी है, और आईडी यहाँ पर लिख दीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाई कैंडिडेट, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी बेसिकली होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, ये आपका परमानेंट मार्क होना चाहिए, चाहे कटने का हो जलने का हो, तो आपको उस मार्क के बारे में बताना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी एक आईडी आपके पास होनी चाहिए फर्स्टली। सेकंड आईडी आप कौन सी रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर टिक कर देना है कि हाँ मैं जो मेरी आईडी है वो मैं सबमिट करूँगा जब मेरे से मांगी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपका नाम है पैन कार्ड में वो आपको नाम यहाँ पर लिख करके बता देना है। इसको बताने के बाद नीचे कोरोस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल कर लेना है। एड्रेस लॉन्ग से मतलब है कि अगर ज़्यादा लॉन्ग एड्रेस है तो आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कंट्री में यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, और स्टेट में यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, और फिर यहाँ पर आपको अपने विलेज या फिर टाउन का नाम एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आप देखोगे पिन कोड, तो जो आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने पर आपको उसको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। अब जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी उनको चेक कीजिए और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, जहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो आपने किस बोर्ड से अपनी 10वीं की है वो आपको यहाँ पर पासिंग बोर्ड का नाम सबसे पहले एंटर करना है। स्कूल का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है कि आपने कौन से स्कूल से की है। इसके बाद यहाँ पर आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज ग्रेड या फिर CGPA है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर आपको ये बताना कि कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है, और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी इज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज, यही वो सवाल है या जिससे यही वो आपका एक एलिजिबिलिटी है जिससे अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि क्या आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ी है या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन कोई एग्जाम ऐसा दिया हो जो कि पंजाबी लैंग्वेज में हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपने जो पंजाबी है वो कहाँ पर पढ़ी है, कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन यानी कि एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में जो कि 10वीं में था, इलेक्टिव सब्जेक्ट 10वीं में या फिर एनी अदर या इसके अलावा कोई किसी और क्वालिफिकेशन के अंदर, तो मैं यहाँ से कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी, तो आपसे पूछा कि क्या आपने 12वीं पास की है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद मैं सेम तरीके से यहाँ पर बोर्ड की जानकारी देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अपने जो कॉलेज है उसकी जानकारी यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर सेम वे में आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आप प्राप्त हुए थे और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपने डिग्री है वो की है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिग्री में BA जो भी आपकी डिग्री है जो भी आपकी कोर्स है उसका नाम यहाँ पर देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर आपने वो डिग्री को कंप्लीट कर ली
थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं अगर आप आपके पास नहीं है। कार्डरे प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंसेस आप किसको देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्डरे को, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेकंड हम देना चाहते हैं आर्म पुलिस कार्डरे को, या फिर आप नोट इंटरेस्टेड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पुलिस डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इनको सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, यानी कि आप इनमें से जो आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर, उसके अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंसेस को दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको इन प्रकार से इन प्रेफरेंसेस को दे देना है। ये देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 3, यानी कि आप तीन तरह की प्रेफरेंसेस दे पाएंगे। इन सभी प्रेफरेंसेस को देने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और सवालों के आंसर करना है, जैसे कि वेदर एनी FIR और क्रिमिनल केस एवर हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेंड, क्या आप कभी क्रिमिनल केस में हिरासत में लिए गए हो या फिर अरेस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड, यानी कि क्या आप कोर्ट के द्वारा किसी को केस में दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर, क्या आप CRPC के इसके तहत क्या ऐसा किए गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों हैव यू एवर बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट बाई एनी स्कूल, क्या आप उसके गए हो अगेंस्ट, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, क्या आपके ऊपर कोई किसी कोर्ट में केस दर्ज है या जो कि चल रहा हो अभी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इज देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्या आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। इन सभी जानकारी को आपको चेक करना है और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने की जानकारी आ चुकी है। बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, तो आपको इसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके देख लेना है कि आपके फोटो का साइज 80 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी से आपके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपका फोटो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अपलोड दी स्कैंड सिग्नेचर, बेसिकली आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है कि अपलोड योर स्कैन 10th क्लास मार्कशीट, यानी कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट भी आपका सेम है और साइज भी सेम ही रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर बोला कि अपलोड योर ID डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने ID सेलेक्ट की थी वो दोनों ID आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। वो कैसे आप कर पाएंगे, साइज आपका जो है 100 KB से लेकर 2 MB के बीच में रखा है, फॉर्मेट PDF का भी अलाउड है। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी ID है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आपको ID प्रूफ डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर क्लिक करके सेम वे में ब्राउज के ऊपर क्लिक करके अपनी ID को अपलोड कर देना है। अपलोड योर पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपका पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो अब यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपने 10th के अंदर पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको फिर से अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है, जो कि ये दर्शाती हो कि हाँ आपके पास 10वीं में पंजाबी सब्जेक्ट था। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद दोस्तों नीचे आकर के आपको जो डिक्लेरेशन के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं इनके ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे विकल्प दिए गए हैं इस फीस को जमा करने के, तो आप जिस माध्यम से चाहे वही माध्यम सेलेक्ट करके यहाँ पर कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका जो मंथ ईयर है कार्ड के ऊपर, CVV ये सब डाल करके पेमेंट को कन्फर्म कर देना है। और जैसे आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप लोग फॉर्म के जमा होने के बाद यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और